शिवलिंग की जो पूजन होती है, भगवान शंकर की जो शिवलिंग का पूजन है, वो साधारण नहीं। दो गुप्त नवरात्रे होते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। दो गुप्त नवरात्रे होते हैं, एक गुप्त नवरात्रा यही माघ के महीने में आता है, जो 10 तारीख से चालू हुआ 18 तारीख तक चले। श्रृंगी ऋषि ने इस गुप्त नवरात्र का बड़ा वर्णन किया। श्रृंगी बाबा ने इस गुप्त नवरात्र के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ। श्रृंगी बाबा गुप्त नवरात्र के लिए कहते हैं कि अगर इस गुप्त नवरात्र के अंतर्गत 9 लाल फूल, 5 श्वेत पुष्प, ये दोनों लोग कहते हैं गुप्त नवरात्र में हम देवी की आराधना करें, गुप्त नवरात्र में हम भगवान की आराधना करें, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो या भगवान शिव की एक पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो, तो श्रृंगी ऋषि के चरित्र में आता है। श्रृंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है नहीं है, तो किसी अपने घर के गमले में, बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण करें, 2 पार्थिव लिंग, उसमें एक शिव जी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण, देवाधिदेव महादेव के 2 स्वरूप, 2 लिंग प्रकट कर, एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन करें किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर दें। पर ये नवरात्रे, ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, इस माघ महीने में जो गुप्त नवरात्रे आती है, इसी के अंतर्गत इसका पूजन है। एक बार हमने पहले वर्णन किया था, जिसके यहाँ संतान नहीं होती उसके लिए भी पहले जो आषाढ़ के महीने में जो गुप्त नवरात्रे आते हैं उसका स्मरण कराया था, और इसका एक पत्र यहाँ पर भी है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं, राखोगे ढेर का चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु भार कर, बखान क्या करूं मैं, राखोगे ढेर का चपटी बहुत मेरे खजाना कालदर्शी है, कैलाशी है, ओघड़दानी है।
कैलाशी अविनाशी है। शिव तत्व कह रहा है, आप जिस भाव से, जिस भाव से आप भगवान को रिझाते हो, भगवान उस भाव से अपने भक्तों के करीब पहुंचता है। भक्तों के यमुना जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, केवल चाहे गुप्त नवरात्रे हो चाहे सर्व नवरात्रे हो, केवल देवी की आराधना कर रहे हैं और सोचें कि हम माताजी की आराधना कर रहे हैं और माताजी हम पर प्रसन्न हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई सी भी नवरात्रे में अगर आप शंकर भगवान की आराधना के साथ देवी की आराधना करेंगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है महादेव शिव और शक्ति दोनों ही कृपा जरूर करते हैं, ये निश्चित है, निश्चित है। केवल एक शिव की आराधना कर लेना या शक्ति की आराधना कर लेना, हम शिव और शक्ति दोनों की आराधना एक साथ, हम शिव और शक्ति की दोनों की आराधना।